के 7 दिन से लापता अंकिता का शव मिला है। चीला नहर से बरामद हुआ है अंकिता का शव। अंकिता भंडारी मर्डर केस में सीएम धामी का एक्शन। आधी रात आरोपी पुलकित आर्य के रिजॉर्ट पर चला है बुलडोजर। एसआईटी करेगी अंकिता मर्डर केस की जांच। मर्डर केस की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। डीआईजी पी रेणुका के नेतृत्व में होगी जांच। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। आरोपियों के रिजॉर्ट पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। मर्डर केस की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। 18 सितंबर को लापता हुई थी अंकिता। 18 सितंबर को अंकिता लापता हो गई थी। उसके बाद कई आशंकाएं बनी हुई थी और फिर अब उसका शव मिला है। ऐसे में आम लोगों का गुस्सा भी इस पूरी घटना को लेकर के जाहिर हो रहा है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एसआईटी का गठन किया है इस पूरे मामले को देखते हुए। तो वहीं दूसरी ओर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। ये वो रिजॉर्ट जिस पर बुलडोजर चला है। अंकिता भंडारी मर्डर केस से जुड़ी ये तस्वीरें जरा आप देखिए। सख्त एक्शन धामी सरकार का यहाँ पर नजर आया है। हालांकि कई सवाल यहाँ पर गंभीर तौर पर उठ रहे हैं। आम लोगों का गुस्सा भी फूटा है। तो वही जब आरोपियों को लेकर पुलिस पहुंच रही थी उस दौरान की वो कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जब ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी को रुकवाया और आरोपियों के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया गया। तो वहीं ये तस्वीरें जब बुलडोजर की कार्रवाई हुई रिजॉर्ट पर और बुलडोजर पर किस तरीके से एक्शन की तस्वीरें, यानी कि बुलडोजर द्वारा जो एक्शन हुआ है उसकी तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। रिजॉर्ट पर ये कार्रवाई हुई है, बुलडोजर की कार्रवाई और धराशाही इस रिजॉर्ट को किया गया है। तो अंकिता मर्डर केस में सीएम धामी का एक्शन देखने को मिला है। काफी दिनों से अंकिता की तलाश की जा रही थी, आशंकाएं कई बनी हुई थी और इसी बीच अंकिता का शव मिला। तो ऋषिकेश का अंकिता हत्याकांड केस ही पूरा, 7 दिन से लापता अंकिता का शव मिला है। चीला नहर से बरामद हुआ अंकिता का शव। अंकिता भंडारी मर्डर केस में सीएम धामी का एक्शन भी देखने को मिला है। आधी रात आरोपी पुलकित आर्य के रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला है। एसआईटी करेगी अंकिता मर्डर केस की जांच। देखिए, उनके फादर और उनके भाई मेरे साथ हैं अंकिता के। मैं उनको अपने साथ लेके आया हूँ। उन्होंने बॉडी को देखा, अभी कपड़ों के हिसाब से वो मान रहे हैं कि बॉडी अंकिता की है। बाकी होटल कर्मियों को भी बुला करके एक बार फुल प्रूफ हम आगे एम्स में करेंगे और अभी फिलहाल बॉडी अंकिता की है। बहुत दुखद घटना है और इस घटना से जहाँ मन बहुत व्यथित है, अंकिता बेटी का पार्थिव शरीर खोज लिया गया है, मिल गया है और सभी दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसको लेकर हमने डीआईजी पी रेणुका देवी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया है जो पूरे मामले की तह तक जाएगी, उसकी जांच करेगी और अपराधियों को सजा दिलाने का काम करेगी। चाहे कोई भी हो, अपराधी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। चलिए।